हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैप क्रिएशंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी फोटो को एकदम HD क्वालिटी में एडिट कर सकते हैं, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से पिक्सार्ट के अंदर। तो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। 2 से 3 ट्रिक्स हैं, उनका यूज़ अगर आप अपनी फोटो एडिटिंग में करते हैं तो आप अपनी फोटो की जो क्वालिटी है उसको डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी वीडियोस को आगे देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपका ये साइड में प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा ये वाला, उस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, एंड सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा मैक्स इमेज साइज का, उस पर क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पर आपका 5 मेगापिक्सल या 3 मेगापिक्सल होगा तो उसको जितना आपके मोबाइल में ज़्यादा शो कर रहा होगा उस पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे में 8 मेगापिक्सल शो कर रहा है तो उस पर मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ। एंड ये हमारा फर्स्ट तरीका था। अब उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एंड जो भी फोटो को एडिट करना है उसका बैकग्राउंड इरेज करना है मॉडल का, तो उस फोटो को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि इसका बैकग्राउंड इरेज करना है तो उसके लिए आप ये कटआउट टूल का यूज़ करते होंगे। सो ये टूल को आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो आपकी फ़ोटो पिक्सल थे वो फट जाते हैं, एंड आपकी जो क्वालिटी एकदम बेकार हो जाती है। तो ये तरीका आपको यूज़ नहीं कर देना। मैं कट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपके बैकग्राउंड को इरेज करना है। यहाँ पर आपको टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर फ्री क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ब्रश पर क्लिक करके उसकी साइज को एडजस्ट करेंगे, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका जो मॉडल है सिर्फ उसके बॉडी के ऊपर पेंट करना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको भी कर लेना है अच्छे से जूम करके। तो ये तरीके से आपको अपना बैकग्राउंड को हमेशा इरेज करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी है पिक्सल से बिल्कुल भी फटने वाले नहीं है, एंड HD क्वालिटी में आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। तो अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो जैसे मैंने बैकग्राउंड को भी इरेज कर लिया, अब आपको कोई एक बैकग्राउंड के ऊपर अपनी मॉडल की PNG को लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कोई बैकग्राउंड को ओपन करता हूँ। बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है, अब आपको इसके ऊपर अपना जो PNG है मॉडल का उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद टूल्स के ऑप्शन पर जाना है, एंड रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे साइड, उसको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जो 1080 लिखा हुआ उसको कट करेंगे, एंड जितना हाई आपका जो बैकग्राउंड सपोर्ट करता है उतना रख देना है। तो सबसे पहले मैं इतना रखता हूँ, एंड क्लिक करता हूँ रिसाइज पर। तो यहाँ पर आपको देखो दिखा रहा है कि इतना सपोर्ट नहीं करता, 2591 सपोर्ट करेगा, तो इसको कट करके 2591 इतना मैं करके रिसाइज पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये 2590 बता रहा है, तो यहाँ पर मैं रिसाइज पर क्लिक कर देता हूँ। तो जितना हाई यहाँ पर आपका सपोर्ट करेगा इमेज उतना आपको कर देना है, इससे भी आपका जो क्वालिटी है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से अपनी जो मॉडल की फ़ोटो है उसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप यहाँ पर सिर्फ ऐड फोटो का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऐड करते होंगे, लेकिन वहाँ से आपको नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल में चले जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद जो MPT लेयर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड फोटो का दिख रहा होगा बटन, उस पर क्लिक करके फोटो या स्टिकर जो भी आपका मन हो, तो मैंने फ़ोटो को ऐड करना है तो फोटो पर क्लिक करता हूँ, एंड जो बैकग्राउंड को अभी मैंने इरेज किया था ये वाला उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको यहाँ से जूम करके बड़ा करके अच्छे से जहाँ पर आपको फिक्स करना है फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पर साइड में टैप कर देंगे। तो आपको हमेशा से जो ऐड फोटो करना है वो ड्रॉ टूल में जाने के बाद ही करना है, जिससे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। इतना होने के बाद अब आपको अगर इस फोटो को सेव करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। तो डन हो गई। अब आपको जैसे कि आपकी एडिटिंग हो चुकी है, अब आपको लाइटरूम के अंदर रिटचिंग करना है या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर रिटचिंग करना है, तो आपको यहां से इस फोटो को शेयर नहीं करना है बल्कि सेव करना है पहले। तो सेव करने के लिए आप ये ऑप्शन पर जाते होंगे, बट आपको ये ऑप्शन पर नहीं जाना है सेव करने के लिए। मैं बैक कर देता हूँ। आपको हमेशा पिक्सार्ट के अंदर कोई भी इमेज हो उसको सेव करना है अगर, तो ड्रॉ टूल में जाना है, एंड यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है, एंड सेव इमेज पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है।
आपको हमेशा से इस तरीके से ही फोटो को सेव करना है, जिससे आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, फटेगी नहीं। उसके बाद फोटो को लाइटरूम में रिटच कीजिए या स्नैपशीट में रिटच कीजिए, वहाँ पर आपकी फोटो फटने वाली नहीं है, जो होता है पिक्सआर्ट के अंदर ही होता है। तो मैंने दो तीन तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको अपने फोटो को एडिट करना है ताकि आपकी फोटो की जो क्वालिटी है वो फटे ना। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना इसी वीडियोस को आगे देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।